Hi guys, this is GR and you are watching Work at Our Job Helpful. So guys, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, महीने का 30,000 रुपया, यस महीने का 30,000 रुपये आप कमा सकते हैं। काम क्या रहेगा, टाइमिंग क्या रहेगा, एक्चुअल वर्क क्या रहेगा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग है अभी, वो सारा बता देता हूँ आपको कि पोस्टिंग अभी ऑल ओवर बेंगलोर में चल रहा है। कंपनी आके आपको फास्ट टैग का नाम सुना ना आपने। एक्चुअल वर्क क्या है कि एक डिवाइस आता है, वाईफाई डिवाइस, जो आपको फील्ड में जाके कमर्शियल व्हीकल जहाँ रहता है, कमर्शियल व्हीकल जिसके पास रहता है, गुड्स गाड़ी जहाँ रहता है, उसको जाके वो डिवाइस के बारे में समझाना रहता है, उसको जाके उस कंपनी के बारे में समझाना रहता है और वो डिवाइस उसको बेचना रहता है, देना रहता है, सेल करना रहता है, उतना ही काम रहता है। कंपनी की तरफ से आपको लीड दिया जाता है, कहाँ कहाँ जाना रहता है, किस किस बंदे के पास जाना रहता है। स्टार्टिंग में 2-3 महीने तक कंपनी अपनी तरफ से लीड देती है और स्टार्टिंग में कंपनी अपनी तरफ से 3 महीना तक 17,000 रुपये मिनिमम सैलरी देती है। मिनिमम सैलरी 17,000 कंपनी की तरफ से दिया जाता है आपको। आप फ्रेशर हैं, आप फील्ड वर्क कर नहीं सकते, आपको कुछ बोलना नहीं आता, तो कंपनी सब कुछ समझाती है। आधा घंटा एक घंटा आपको ट्रेनिंग देती है, बाकायदा आप कंपनी को कॉल के थ्रू जो है हर एक मोमेंट्स मतलब कॉल करके बता सकते हैं, या फिर कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है आपको उसको पूछ सकते हैं। कस्टमर क्या डिमांड कर रहा है, कस्टमर क्या पूछता है, वो आप पूछ सकते हैं फ़ोन करके। कंपनी आपको 100% जो है हेल्प करती है इस मामले में। मिनिमम सैलरी रहती है इसमें 17,000 रुपये, उसके ऊपर उसके अलावा भी आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं, 20,000-30,000। ऑलरेडी हमारी कंपनी की तरफ से 6-7 बंदे काम कर रहे हैं, महीने का 28,000-30,000 रुपये कमा रहे हैं फील्ड वर्क करके। बस होना चाहिए एक बेसिक नॉलेज और बात करने का टेक्निक, हम कस्टमर को किस तरीके से हैंडल करें, उसको किस टेक्निक से बात करें, कैसे सेल्स करें, मेन वही बात आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। इसमें किसी भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट रहती है, आपको तमिल आने दो, कन्नड़ आने दो, तेलुगु आने दो, इंग्लिश आने दो, हिंदी आने दो, सारा का सारा कोई भी लैंग्वेज का कैंडिडेट क्यों ना हो कंपनी लेती है। लोकेशन आके ऑल ओवर बेंगलोर रहता है। सैलरी आपको 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफ़र करती है कंपनी। खाली एक डिवाइस कंपनी का रहता है, उसको समझाना रहता है व्हीकल वाले के पास जाके। आपको घर से ही उसका इन टाइम और आउट टाइम डालना रहता है। टाइमिंग इसमें कुछ फिक्स नहीं रहता है, आपके अकॉर्डिंग आपके ऊपर रहता है कि आप सुबह 9 बजे से 3 बजे तक कीजिए, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक कीजिए, 12 घंटा कीजिए, 8 घंटा कीजिए, 4 घंटा कीजिए। महीने का कंपनी सिर्फ 10-20 का टारगेट देती है, महीने का, सिर्फ पूरे महीने का 30 दिन में सिर्फ 10-20 आपको बेचना रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लड़के लोग एक दिन में 10-10 पीस बेच देते हैं, 10 पीस बेच देते हैं एक दिन में। कंपनी की तरफ से सिर्फ महीने का 30 दिन का 10 पीस सेल करना रहता है, इजीली कर सकते हैं। तो गाइस, जिस चीज़ को रिक्वायरमेंट है, काम का रिक्वायर्ड है, और जो जो बंदा फील्ड वर्क करना चाहता है और जो वह बंदा इंटरेस्टेड है इस जॉब के लिए, वो बंदा कॉल करे, तुरंत जो है ज्वाइनिंग होता है। और कोई भी जो है ज्वाइनिंग फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारी ऐसी कंपनी रहती है जो दावा करती है कि हम फीस लेते हैं, इसका मतलब 100% जॉब देते हैं। 100% जॉब हर कोई देता है, हर कोई कंपनी देती है, मैं भी 100% दावा करता हूँ, जॉब दिलवाता हूँ, और काफ़ी लोग कर रहे हैं, कर रहे हैं। रहता ये है कि आप आते हैं हलवाई का काम करने के लिए, ठीक है, मैं डालता हूँ आपको हलवाई काम के लिए ही। वहाँ जाता है बंदा, काम करता है 3-4 दिन, ट्रेनिंग देता है, जो भी XYZ 10 दिन काम करता है, उसको काम वो सूट नहीं आता, या फिर क्लाइंट सूट नहीं आता, या फिर कुछ भी एक सूट नहीं होता, तो बंदा वापस, नहीं सर मुझे वो काम सूट नहीं आया, फिर क्लाइंट की तरफ से वो रिजेक्ट हो जाता आता है, तो दूसरा काम उसको दिलवाते हैं। पेड वाले में क्या होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो उसको काम दिलवाना ही दिलवाना होता है, क्योंकि वो पैसा ले रखता है,
उस कैंडिडेट से। फिर वो क्या करता है कि तीन चार जगह भेजता है, एक दो जगह भेजता है, रिजेक्ट हो जाता है कहीं पे बनता, तो उस कैंडिडेट को क्या करता है, हलवाई की जगह मैकेनिक में डाल देता है, ये गड़बड़ हो जाता है। हम लोगों का ऐसा नहीं है। फ्री जॉब बोल के बोले तो फ्री जॉब दिलवाते हैं, फ्री जॉब बोले तो जॉइनिंग का पैसा नहीं लेते हैं, जॉब दिलवाते हैं। आप एक जगह से रिजेक्ट हो जाते हैं तो हम लोगों के पास दूसरा जॉब अवेलेबल रहता है, लेकिन आपके चॉइस के हिसाब से। आप जिस वर्क के लिए, जिस काम के लिए आते हैं, आपको जिस काम या जिस वर्क में रुचि है, जिस जॉब में रुचि है, वही जॉब आपको मिलता है, चाहे उसे एक दिन लगे या दो दिन लगे। रही ट्रेनिंग की बात, तो भाई आप कहीं पर भी जाएंगे ना तो कंपनी को एक या दो दिन ट्रेनिंग का देना ही रहता है। बिना ट्रेनिंग का कोई कंपनी रखती नहीं, इंटरव्यू और ट्रेनिंग तो कंपलसरी रहता ही रहता है। आप कितना भी कहीं पर भी काम करके आए हुए हो, आप कितना भी आपको एक्सपीरियंस क्यों ना हो, जहां आप जाएंगे वो नई कंपनी रहती है, वो एक अलग कंपनी रहती है, उस कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन क्या रहता है, उस कंपनी में काम कैसे करना रहता है, वो एक समझाया जाता है। मैं ऐसा नहीं कि मेरे पास आएंगे तो मैं डायरेक्ट जो है आपको जो है कल जाके ज्वाइनिंग करवा दूंगा, मतलब ज्वाइनिंग हो जाता है, काम पे लगवा दूंगा, काम पे भी लग जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ उसकी सैलरी भी चालू रहती है। ट्रेनिंग का मतलब यह रहता है कि बंदा वर्किंग में है, काम कर रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि तीन दिन चार दिन ट्रेनिंग करेगा उसका अमाउंट नहीं आएगा, उसको पैसा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग हर एक कंपनी देती है, कोई भी ऐसी कंपनी नहीं रहती है जो ट्रेनिंग नहीं देती है, इंटरव्यू नहीं लेती है, इंटरव्यू भी लेती है, ट्रेनिंग भी देती है। आपको वो काम सूट होना चाहिए, अगले वाले कंपनी वाले को आपका काम सूट होना चाहिए, अच्छा मतलब काम लगना चाहिए। तो गाइस वो तो दूसरी बात है, वो सब जो जो इंटरेस्टेड है वो कॉल करें, डिस्क्रिप्शन नंबर छोड़ दूंगा, जॉइनिंग फॉर्म छोड़ दूंगा, फॉर्म फिल करें। देखते हैं तब तक अगला वीडियो, बाय बाय।